आपका इंट्रोगेटिव पार्ट लगेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट बदलना है, वो भी टेंस आपके कौन से होंगे, टेंस आपके इंट्रोगेटिव, ठीक है ना, टेंस जो होंगे आपके इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव पार्ट, ठीक है ना, ये आपका इंट्रोगेटिव पार्ट है। तो इंट्रोगेटिव पार्ट में हम क्या सीखेंगे, इंट्रोगेटिव वाक्यों में, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव वाक्यों में यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस चीज में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो सैड के स्थान पर आस्क का प्रयोग करें, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव वाक्यों में यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस आपका टाइम हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो सैड के स्थान पर क्या लगाएंगे, हम आस्क लगाएंगे। अभी तक आपने टोल्ड लगाया था, सैड लगाया था, लेकिन अब सैड ना लगा के हम सैड ना लगा के उसके स्थान पर आस्क लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में ये वाला टेंस होगा रिपोर्टिव वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो तो सैड के स्थान पर आस्क्ड, ठीक है ना, क्या बताया मैंने, आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में तो आस्क का प्रयोग करेंगे आस्क, और पास्ट में है तो सैड के स्थान पर आस्क का प्रयोग करेंगे। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब टेंस आपके होते दो तरह के, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, ठीक है ना, एक तो होता आपका फर्स्ट टाइप, तो फर्स्ट टाइप जो होता है इसमें क्या करना है, फर्स्ट टाइप वाले वाक्यों में, वाले वाक्यों में कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते, अगर आपके फर्स्ट टाइम वाले वाक्य हैं तो उसमें कंजक्शन हम दैट ना लगाकर इफ या वेदर लगाइए, चाहे इफ लगा दो वेदर लगा दो, कोई सा एक कंजक्शन लगा दो जो आपकी इच्छा करती हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इफ लगाना या वेदर कहाँ लगाना, तो कोई सा भी लगा सकते हो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको हल्का लगे वो लगा दो, इफ भारी लगता तो वेदर लगा दो, ठीक है ना, और वेदर भारी लगता है तो इफ लगा दो, जो भी आपको कुल मिलाकर दैट कंजक्शन लगाने के हम
बल्कि क्या करेंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। इसमें एक बात और आती, वैसे मैंने लिखते समय छोड़ दी वो बात, पहले लिखी थी। इसमें एक काम और करते हैं हम, ये कैंस में बात लिखूंगा, इसमें काम करते हैं इंट्रो गेटिव सेंटेंस को, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा है ना, को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, जो आपका जो है डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाओगे बनाते समय, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय असर्टिव बना दीजिए, असर्टिव में परिवर्तित कर देते, ठीक है ना। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया हमने, तो उसको हम असर्टिव बना देंगे, ठीक है ना। जो आपके असर्टिव पहले टेंस है उसमें बदल देंगे, ठीक है ना। यानी कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है चेंज असर्टिव में हो जाता है। अब वही फर्स्ट टाइप वाली बात आती है हमारी, फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप में, फर्स्ट टाइप वाले वाक्यों में कंजेक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते, जो हम फर्स्ट टाइम वाले वाक्य होंगे उसमें दैट कंजेक्शन लगा के इफ या वेदर लगाएंगे। इतनी सी बात आपको याद रखनी। जैसे टेंस वाला क्या है, ही सेज कोमा इनवर्ट कोमा, ठीक है ना। डू दे ईट मैंगो क्वेश्चन मार्क कोमा क्लोज, ठीक है। अब ध्यान दो, ये टेंस हमारा प्रेजेंट में है तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है, या आपकी रिपोर टेड स्पीच है, क्योंकि कोमो के अंदर बंद, इनवाइटेड कोमा कोमा क्लोज के अंदर बंद है। तो जो इनवाइटेड कोमा और कोमा क्लोज के अंदर बंद होती है तो वो आपकी क्या कहलाती है, रिपोर्टेड स्पीच। और जो उनसे बाहर होती है वो रिपोर्टिंग आपकी वर्ब होती है। इतना सा आपको याद रखना है। अब इसको करना क्या है, ही आस्क आएगा सी, ठीक है ना। इफ कंजेक्शन लगाओ, इफ या वेदर कुछ भी लगा दो। अब इसको हम जो असर्टिव बनाएंगे टेंस परिवर्तन वैसे ही करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। तो असर्टिव कैसे बनेगा, दे ईट मैंगोज डेली, दे ईट मैंगोज डेली। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगल होता, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगलर होता, ठीक है ना, अगर सब्जेक्ट हमारा क्या होता सिंगलर नंबर में, तो हम क्या करते हैं इसमें ईट पे एच या ई एच जोड़ देते, इसका असर्टिव बनाते, ठीक है ना। मान लो इसमें ही होता है तो हम क्या करते, ही ईट्स मैंगोज डेली। अब प्लूरल है, प्लूरल में प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में आप लोगों ने देखा है कि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमने क्या करा, दे ईट मैंगोज डेली। अब इसको बनाएंगे कैसे, हम कैसे इसका परिवर्तन करेंगे, तो यहाँ आ गया दे, आ गया दे थर्ड पर्सन है, नो चेंज होता थर्ड पर्सन। ईट तो ईट सेकंड फॉर्म बदल देंगे एट, क्या हो जाएगा एट मैंगोज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट एंड बदलते हैं, ठीक है ना। मैंने लिखा आप लोगों का कई बार, लिखा है आप लोगों को कई बार, समझाया मैंने
इसमें जो है हम क्या करते हैं, उसमें जो नियम में लिख कर दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को पास्ट में बदलते हैं, और उसमें ये भी लिख कर दिया सेकंड फॉर्म कायम करते, सॉरी फर्स्ट फॉर्म क्या कर देते सेकंड फॉर्म में परिवर्तित कर देते, ये नियम आपकी कॉपी में लिख कर दिया मैंने पहले। दूसरा वाक्य बाबा, दूसरा वाक्य आता है आपका, तो दूसरे वाक्य में हम क्या करते हैं, जैसे टेंस हमारा ही सेड कोमा इनवर्ट कोमा आर यू ईटिंग द एप्पल्स, क्या तुम सेब खा रहे हो, तो क्या करेंगे इसमें, इसमें चीज और देखनी, थोड़ी सी चीज देखनी है, इसका जब असर्टिव बनाएंगे हम तो क्या बनेगा, यू आर ईटिंग द एप्पल्स, ये तो बनेगा असर्टिव, यू आर ईटिंग द एप्पल्स, ये इसका असर्टिव बनना। अब यू हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन का कैसे बदलता है, सेकंड पर्सन का कैसे बदलता है, ऑब्जेक्ट का कैसे बदलता है, सेकंड पर्सन जो बदलता है वो कहीं कैसे बदलता, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट नहीं इसमें, तो क्या करेंगे इसमें हम, ही आस्क्ड हमने इसमें, क्योंकि रिपोर्टिंग पर हमारी आस्क्ड हमने इसलिए लगाया, रिपोर्टिंग पर जो हमारी है वो कायम है पास्ट टेंस में, प्रेजेंट में फ्यूचर में होती तो आस्क आता है, लेकिन पास्ट में तो आस्क्ड आ गया। अब इसमें अपनी तरफ से कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, ही आस्क्ड मी, ये कह सकते हैं हम, मी भी ले सकते हैं हम, हिम भी ले सकते हैं, हर भी ले सकते हैं, तो इसके अनुसार कंडीशन लगा दो, एक लगा दिया, अब इसके अनुसार इसे बदलेंगे, इसे तो यू है, इसके अनुसार बदल जाएगा सेकंड पर्सन, तो यहां लाएंगे तो आई हो जाएगा ये, अब ये आर का वाज हो जाएगा, आई के साथ वाज आ गए, ईटिंग द ए डबल पी एल ई एस एपिल, बोलो बात समझ आई आपका। तीसरा वाक्य आता हमारा, ही फेड टू मी कोमा रेड कोमा डिड सोहन गो टू दिल्ली क्वेश्चन मार्क कोमा क्लोज, इसमें क्वेश्चन मार्क लग रहा है जब हमने असर्टिव बना दिया, ठीक है ना, तो क्या करेंगे इसमें, ही आस्क्ड मी इफ सोहन हैड गॉन टू दिल्ली, बात क्लियर हो गई यहां तक,